हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें उन्होंने बोला है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। तो पॉलिनोमियल की चार टर्म्स होती हैं। नंबर वन होती है मोनोमियल, नंबर टू होती है बायनोमियल, नंबर थ्री होती है ट्राइनोमियल और नंबर फोर होती है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, बायनोमियल के अंदर टू होती है, ट्राइनोमियल के अंदर तीन होती हैं और पॉलिनोमियल के अंदर तीन से ज़्यादा टर्म, यानी 4, 5, 6 ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमें इसके अंदर ये बताना है कि किस टर्म में कितने जो है, इस सवाल में कितनी टर्म्स हैं। तो नंबर वन है एक्स माइनस थ्री वाई, तो ये है बायनोमियल के बीच में जितने साइन होंगे उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये हो गई एक टर्म और ये हो गई दूसरी टर्म, तो ये हो गए दो टर्म्स हो गई, तो इसका मतलब ये है बायनोमियल। इसके बाद नंबर टू है माइनस वन ओवर फोर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। तो अब इसके अंदर हम ये तीन टर्म्स हैं, ये एक टर्म हो गई, फिर बीच में साइन है, फिर दूसरी टर्म है, फिर बीच में साइन है, फिर तीसरी टर्म है, तो ये हो गई ट्राइनोमियल। अब इसके जो बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे ये थर्ड, तो थर्ड में भी तीन है, जैसे थ्री एक्स है, उसके बाद फिर माइनस वन ओवर फोर वाई है और माइनस फाइव है। जितने साइन बीच में होंगे उतनी वहाँ पे जो है एक टर्म ब्रेक हो जाएगी। जैसे थ्री एक्स के बाद साइन है तो मतलब ये एक टर्म हो गई, इसके बाद वाली जो है वो दूसरी टर्म है और फिर बीच में साइन है, उसके आगे नंबर है तो फिर मतलब ये तीसरी टर्म है। तो इसमें भी तीन टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गई। इसके अंदर भी तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, ये इसमें दो हैं तो ये है बायनोमियल, ये एक ही है तो ये है मोनोमियल, ये भी पूरी एक ही है, इसमें कोई साइन नहीं है, इस वजह से ये मोनोमियल है। और ये जो है इस, ये भी इसमें भी दो टर्म्स हैं तो ये भी बायनोमियल है। थैंक यू।